भगवान बुद्ध की तीन कहानियाँ। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकलता जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम आकर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे बिहार के मुख्य दरवाजे तक ही पहुँचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक करके बाहर निकल रहे थे, इसलिए थोड़ी सी भीड़ हो गई। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं इसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकलता जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, यथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाके डालने जाना है, कि आप उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत धन्यवाद। इसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, जिंदगी भर दुनियादारी की चीजों से पीछे भागते रहे, अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ जाता है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपनी सारी दुनिया मोह माया छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो, आनंदा प्रवचन मेरे एक ही दिया है, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्माण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। बुद्ध और बच्चे। गौतम बुद्ध किसी बाग में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उसके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपके पत्थर लगा और आपकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ डर दे सका। बुद्ध और तर। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसके बाद सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहा है और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसा तीर हटाना चाहिए, फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसके लक्ष्य मारा गया है। शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक रहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इसे जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाना चाहिए, मृत्यु के बाद या बातों के बारे में सोचा जाना चाहिए। शिष्य अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।